कि मैं कैसे अपने हर एक यूट्यूब के व्यूअर को कस्टमर ने कर, कस्टमर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दू हाँ जी दोस्तों यदि यूट्यूब को लेकर बड़ा पैसा कमाना है सोच आपकी होनी चाहिए आपका हर एक व्यूअर कभी ना कभी आपका यहाँ पे कस्टमर बन जाए देखिए दोस्तों मैं मेरे पॉडकास्ट को एज अ वीडियो ट्रीट नहीं करता हूँ मैं मेरे पॉडकास्ट के हर एक एपिसोड को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करता हूँ एक डिजिटल प्रोडक्ट है दोस्तों मेरा पॉडकास्ट मेरे लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट है और मेरा हर एक व्यूअर मेरा कस्टमर है क्योंकि वो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि पॉडकास्ट को कंज्यूम कर रहा है तो यदि YouTube में आगे बढ़ना है बॉस YouTube के वीडियो को एज अ वीडियो ट्रीट करना बंद करो YouTube के हर एक वीडियो को एज अ प्रोडक्ट देखना शुरू करो और व्यूअर को एज अ कस्टमर देखना शुरू करो यार YouTube में बहुत ही ज्यादा आगे जाओगे चीज़ें दोस्तों सेम होती है सिमिलर होती है लेकिन आपका किसी भी टॉपिक के लेके इंडस्ट्री को लेकर जितना डेप्थ में नॉलेज होता है जितना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों उस हिसाब से आप चीजें लर्न करते जाते हो चीजें अंडरस्टैंड करते जाते हो आज दोस्तों यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो मिलियंस ऑफ डॉलर की अर्निंग कर रहे हैं बहुत सारे तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कह लीजिए इतने

उनकी जो लर्निंग होती है उनकी स्ट्रेटेजी होती है यार यूट्यूब को लेकर वो तगड़ी होती है तो यही लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगा और आपको आइडियाज़ भी मिलेगा कि यदि आपको YouTube में जंप करना है तो कैसे करना है और YouTube को लेकर भी आपको सीनारी बताऊंगा देखिए दोस्तों आप जब YouTube को स्टडी करते हो तब रियलिटी में आप YouTube को स्टडी नहीं करते हो आप रियलिटी में स्टडी करते हो मार्केट को आप रियलिटी में स्टडी करते हो बिजनेस को कि बिजनेस कैसे चलता है मार्केट कैसे चलता है क्योंकि एट द एंड मैंने जैसे पहले भी कहा यूट्यूब पर व्यूज़ क्या है दोस्तों यूट्यूब पर व्यूज़ इज इक्वल टू ये है दोस्तों ऑडियंस ऑडियंस इनडायरेक्टली क्या है ऑडियंस मीस लोग ही है और धंधा क्या है दोस्तों धंधा मीनस बिजनेस इज इक्वल टू सेल सेल कहां से आता है सेल लोगों से आता है तो बिजनेस इज इक्वल टू पीपल यानी कि जब आप YouTube को स्टडी कर रहे हो यार तब आप इनडायरेक्टली बिजनेस को ही स्टडी कर रहे हो शुरू करते हैं पहले दोस्तों क्रिएटर के साथ यूट्यूब क्रिएटर का नाम है 750K प्लस सब्सक्राइबर है ये बंदे की दोस्तों एक सीरीज चल रही है यूएस एंटरप्रेन्योर की दोस्तों मजेदार बात यह एक ही चीज पे फोकस करते किसी भी एक चीज को इतना फेमस बनाते हैं कि वहां से ही वे मिलियनर बन जाते हैं केलेब इमर की सीरीज का नाम है यहाँ पे फाइनेंस ऑडिट फाइनेंस ऑडिट करके यहाँ पे सीरीज का नाम है फाइनेंशियल ऑडिट पॉडकास्ट एक टाइप का और हर एक पॉडकास्ट में 300,000 प्लस व्यूज़ आते हैं इंग्लिश में पॉडकास्ट है ट्रैफिक आता है यूएस यूके का ट्रैफिक कह है सकते हैं अब ये बंदा दोस्तों फाइनेंस ऑडिट करता है सामने वाले पॉडकास्ट में जो गेस्ट होते हैं उनका फाइनेंस का यहाँ पे कैलकुलेशन करता है उनका डेब कितनी लोन उठाई क्या फ्यूचर प्लान है कितनी सेविंग है कितना इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से दोस्तों अपनी एडवाइस भी देता है क्योंकि ये बंदा खुद रिसर्च भी इतनी तगड़ी करता है और आज दोस्तों ये बंदा मिलियनर बन चुका है अपनी ये यूट्यूब चैनल के कारण फाइनेंस ऑडिट यूट्यूब चैनल के कारण क्यों दोस्तों मिलियनर बना पहली बात यहाँ पे कॉमन दोस्तों यदि आप उनके एपिसोड को देखोगे तो हर एक एपिसोड पे थ्री हंड्रेड के प्लस व्यूज है थ्री हंड्रेड के प्लस व्यूज दोस्तों यूएस में बहुत बड़ी बात होती है फाइनेंस नीच पे यदि मैं आपको एक प्रस्पेक्टिव दूँ भारत में दोस्तों यदि फाइनेंस नीच पे किसी को दो मिलियन व्यूज आता है पर एपिसोड दो मिलियन व्यूज भारत में किसी बंदे को आता है फाइनेंस लिस्ट में कंपेयर होता है दोस्तों यहाँ पे सिमिलर यूएस में यदि आपके 300 के यदि व्यूज आ गए ये दोनों दोस्तों सिमिलर है और फाइनेंस दोस्तों एक ऐसी नीचे फाइनेंस एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे कंपेयर टू अदर यूट्यूब एडिसंस रेवेन्यू फाइनेंस पे दोस्तों पांच गुना ज्यादा पैसा बनता है फाइनेंस में पाँच गुना ज्यादा पैसा बनता है तो एडसेंस से भी पैसा बनता है और फाइनेंस सबसे हाईएस्ट हाइस्ट पेंगी से स्पॉन्सर का दोस्तों तगड़ा अमाउंट ये बंदा है यहाँ पे उठाता है अब दोस्तों मैं आपको सिंपल सा कि एप फंडामेंटल कैसे चलता है पर व्यूज ध्यान से सुनिए दोस्तों पर व्यूज हाफ डॉलर या फिर वन डॉलर के हिसाब से डील होती है पर व्यूज की मैं बात कर रहा करूँ पर व्यूज हाफ डॉलर या फिर वन डॉलर के हिसाब से डील होती है यानी कि मान के चलिए इस बंदे के थ्री हंड्रेड के व्यूज आते हैं और यदि कोई एक स्पॉन्सर उठाता है कोई एक यदि फिनटेक कंपनी का स्पॉन्सर उठाता है फिर आधे डॉलर के हिसाब से भी दोस्तों एक स्पॉन्सर का वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर यहाँ पे कैलोम चार्ज करता है कितना हो गया यहाँ पे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर यानी एक करोड़ से ज़्यादा का दोस्तों ये अमाउंट चार्ज करता है पर स्पॉन्सर क्योंकि नीस यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है फाइनेंस नीस और ये नीस को दोस्तों क्रैक करना मुश्किल है देखिए जो निस्में पैसा ज़्यादा होता है ना उतने ही ज़्यादा कंप्यूटर भी होते हैं जितना ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा कम्पिटिटर तो ऐसे कंपटीशन के टाइम पे दोस्तों ये बंदा लास्ट एक साल में ही अपना कुछ अलग कंसेप्ट के साथ आया जब रियल वैल्यू के साथ आप यूट्यूब पे आते हो यार टाइम लगता है ग्रो करने में लेकिन यदि रियल वैल्यू है तो आप ग्रो करते हो एज ट्वेंटी एट है केले भेमर की और एक साल में दोस्तों ग्रोथ मिल चुका है इस बंदे को यूट्यूब पे आ रहे हो प्रस्पेक्टिव दोस्तों आपका यदि व्यूज लेने का है कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे प्रस्पेक्टिव यदि आपका वैल्यू देने का है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रियल प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटेबल नॉलेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो यदि आपका वैल्यू दोस्तों क्रैक हो पा रहा है देखिए जैसे कि यहाँ पे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉलेज है मैं नॉलेज देता हूँ मेरे हर एक पॉडकास्ट के एपिसोड में मुझे पता है जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ लोग नोट बनाते हैं मैंने शेयर भी किया है कम्युनिटी पोस्ट में कि एक बंदा है जो मेरे हर एक एपिसोड की नोट बना रहा है और हर एक एपिसोड से कुछ ना कुछ लर्न करता है और वो एग्जीक्यूट करता है अपने बिजनेस के एक साथ कह लीजिए एम पे तो ये आप जब रियल वैल्यू देना है यूट्यूब पर सीख जाओगे राधर देन फोकसिंग ऑन व्यूज़ तब आप पे आगे बढ़ गए तो केलब एमर दोस्तों ऐसे मिलियनर बनाए अपनी एक ही सीरीज के कारण एट सीरीज वापस रिपीट कर रहा हूँ को देखिए मेरे हर एक एपिसोड दोस्तों क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं तो मैं भी कोडी कोकी बात करूंगा ना तो कोडी को ये यूट्यूबर है यहाँ पे मैंने पास्ट एपिसोड में यदि कोई बिजनेस के बारे में बात की है ना वो दोनों में आपको कनेक्ट करा दूंगा वो दोनों के मैं प्रूफ भी यहाँ पे दे दूंगा सबसे पहला दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बता रहा हूँ बता रहा हूँ यदि आपको लाइफ में सफल होना है ना से है। आपको किसी भी आपका जो कह सकते हैं रिजर्व ग्राफ होता है वो आपका ऑफ आप होना चाहिए यानी कि आपका दोस्तों अटेंशन बढ़ना चाहिए सबसे पहली क्वालिटी है दोस्तों आज के टाइम पे क्या है रील्स आ गया शॉर्ट आ गया ना हमारा अटेंशन बहुत कम हो रहा है तो सबसे पहली क्वालिटी दोस्तों आप मेरे पॉडकास्ट जैसे कुछ लेके जाओ या ना जाओ लेकिन दोस्तों मेरे पॉडकास्ट को यदि आप एंड तक कंप्लीट करना सीख गए ना मीन्स आप अपना अटेंशन स्पेम बढ़ाना सीख गए आपका किसी एक चीज़ पे फोकस यहाँ पे बढ़ गया मैं भी दोस्तों जब पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ यहाँ पे सुकरबर्ग के पॉडकास्ट है इलोन मस्क के पॉडकास्ट है देख लेना यूट्यूब पे दो दो तीन तीन घंटे के पॉडकास्ट होते मुझे हर बार मज़ा नहीं आ रहा होता है हर बार मेरा डॉक्यूमेंट हिट नहीं हो रहे होते मुझे भी लगता है कि पॉडकास्ट छोड़ दूँ नाचने वाली लड़की देख लो मुझे भी लगता है कोई कॉमेडी फनी वीडियो देख लू दो घंटे का पॉडकास्ट देखने के वजह देखने के अल्टरनेटिव में लेकिन नहीं दोस्तों मैं फिर भी वो पॉडकास्ट को देखता हूँ सेव टू वॉच लेटर में डाल देता हूँ पॉडकास्ट को कंप्लीट ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है यार यदि हम एक दो घंटे के पॉडकास्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते यदि हमारा इतना अटेंशन स्पेम नहीं है क्या घंटा हम बिजनेस कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस में तो हमसे हमें यहाँ पे दो साल तीन साल पाँच साल तक हमारा अटेंस अटेंशन स्पेम होना चाहिए आज दोस्तों बहुत कम लोग लाइफ में सफल हो पाएगी आज के टाइम पे क्योंकि ये सबसे तगड़ी क्वालिटी है जो लोगों में आज के टाइम पे क्या हो रही है यहाँ पे एक सबसे कह लीजिए डिसअपियर हो रही है अटेंशन स्पेम यहाँ पे पहले तो प्रिजर्व करो और अटेंशन स्पैम बढ़ाओ यानी कि जो अटेंशन स्पैम अभी आपका है मीन्स यहाँ पे देखिए हर एक व्यूअर का एवरेज अटेंशन स्पैम अलग अलग होता है आप चार पाँच मिनट तक इस पॉडकास्ट पे टिकते हो कोई बंदा पूरा फोर्टी मिनट फिफ्टी मिनट टिकता है तो पहले आपका जो अटेंशन स्पैम है उसे प्रिजर्व कर लो यानी कि जितना है कम से कम उतना बरकरार रखो और टाइम के साथ अपने अटेंशन स्पैम को इंक्रीज करो मेरे पॉडकास्ट से दोस्तों कुछ लेके जाओ या ना जाओ लेकिन यार कम से कम अपना अटेंशन स्पैम बढ़ाना सीख जाओ किसी भी फील्ड में दोस्तों आपको ना ये क्वालिटी सफल बनाएगी किसी भी फील्ड में क्योंकि सिंपल सी बात है आपका कॉम्पिटेटर का अटेंशन कम होगा एक चीज पे टिक नहीं पाएगा आपका अटेंशन फेम ज्यादा होगा आप टिक पाओगे आप फोकस कर पाओगे तो आप अपने कॉम्पिटेटर को इजीली बीट कर पाओगे चलिए आगे बढ़ते हैं एक और यूट्यूबर की बात करूंगा मैं बात करूंगा दोस्तों कोडी को की सिक्स मिलियन सब्सक्राइबर है इस बंदे के यहाँ पे इतना फेमस बंदा है बोल इलोन मस्क अपनी पार्टी में इनविटेशन देता है इलोन मस्क के घर पे दोस्तों ये बंदा जाके आया कोडी को इतने तगड़ी लेवल की यहाँ पे सबसे कह लीजिए फैन फॉलोइंग है कोडी को गया सिक्स मिलियन सब्सक्राइबर आज बंदा मिलियनर बनाए कैसे दोस्तों मिलियनर बनाए एग्जैक्ट ये भी बताऊंगा लेकिन पहले दोस्तों इस बंदे की कॉलेज जर्नी की बात करता हूँ क्योंकि कॉलेज जर्नी यहाँ पे हमारा व्यूअर्स सुनना पसंद करते हैं जब यह बंदा दोस्तों कॉलेज में था कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था अपने दोस्तों की इंटर्नशिप लग गई भाई का कुछ लगा नहीं फिर यहाँ पे यह बंदा एप्लीकेशन बनाना सीखता है एक एप्लीकेशन दोस्तों ये बंदा बनाता है कोडी को बनाता है एप्लीकेशन मैं आपको एप्लीकेशन का यहाँ पे एग्जैक्ट नाम भी बता रहा हूँ एप्लीकेशन का नाम है अनकट एपिसोड बन रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन मुझे देखना पड़ेगा अब दोस्तों रिसर्च में ऐड नहीं हुआ है लेकिन मैं आपके सामने अभी रिसर्च ओपन कर रहा हूँ दूसरा जो मेरा बैकएंड में रिसर्च होता है और आपको एग्जैक्ट नाम भी बता रहा हूँ कि ये बंदे ने कौन सा एप्लीकेशन बनाया था यहाँ पे कुछ दोस्तों कॉपी करके था दोस्तों एप्लीकेशन का नाम था आई कॉपी देट आई कॉपी देट और यदि मैं आपको बताऊँगी एप्लीकेशन क्या था यार दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे वायरल मीम का एप्लीकेशन था सिंपल सा यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज जानता था वायरल मीम्स का एप्लीकेशन आई कॉपी देट करके एप्लीकेशन बनाया अपने कॉलेज टाइम पे अब ऐप स्टोर पे वायरल हो गया एप्पल स्टोर पे वायरल हो गया वायरल होने के बाद एक मोबाइल की कंपनी आई मोबाइल की एडवर्टाइजिंग कंपनी थी मोबाइल की एडवर्टाइजिंग कंपनी ने दोस्तों ये कोडी को का जो एप्लीकेशन था एप्लीकेशन को परचेस किया अराउंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर में कहा कि फिफ्टी थाउजेंड डॉलर में हमारे एप्लीकेशन को परचेस कर लो और बाकी के फिफ्टी थाउजेंड के मोबाइल कंपनी में स्टॉक दे दिए और मोबाइल कंपनी में जॉब भी देगी मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी थी दोस्तों मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी ने क्यों इसके एप्लीकेशन को परचेस किया इसलिए परचेस किया दोस्तों क्योंकि ये वायरल ऐप था दो तीन मिलियन की यहाँ पे दो तीन दिन में विजिट आ रही थी क्योंकि वायरल ऐप होते हैं वायरल मीम्स एप में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम होता है तो इसी कारण यहाँ पे मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी को अपने एडवर्टाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस एप्लीकेशन को अकबर कर लिया फिफ्टी डॉलर में कोडिको ने फिफ्टी डॉलर यहाँ पर पहले बना लिया बाद में दोस्तों धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आया ये बंदा फेमस कैसे हुआ और बड़ा पैसा कैसे बनाया है बात कर लेते हैं दोस्तों कोडी को फेमस हुआ अपनी एक सीरीज के कारण सीरीज का नाम है धैट स्क्रींज धैट स्क्रीज दोस्तों एक सीरीज है जहाँ को, पे कोडी को फेमस टॉपिक पे वायरल टॉपिक पे यूएस के लोगन पोल डेटिंग लाइफ है और भी बहुत सारे टॉपिक पे रिएक्शन देता है डेट स्क्रीनज करके सीरीज इतनी फेमस हुई दोस्तों उनके बहुत सारे वीडियो में ट्वेंटी मिलियन ट्वेंटी फाइव मिलियन टेन मिलियन व्यूजर यूएस के दोस्तों किसी भी एक यूट्यूबर को टेन मिलियन ट्वेंटी मिलियन ट्वेंटी फाइव मिलियन व्यूज मिलना बहुत ही बड़ा नंबर होता है बहुत बड़ा नंबर यदि मैं बताऊँ दोस्तों यदि भारत के कोई यूट्यूबर के 100 मिलियन व्यूज आते हैं इतना फेमस दोस्तों यहाँ पे माना जाता है यूएस का यूट्यूबर 25 मिलियन यूज के साथ है, दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन अराउंड 30 करोड़ प्लस की है 30 करोड़ 33 करोड़ है भारत की पॉपुलेशन है दोस्तों यहाँ पे 130 करोड़ 130 करोड़ तो उस हिसाब से दोस्तों नंबर मल्टीपल होते हैं यानी कि कोडिको की एक सीरीज बॉस ये बंदा ये सीरीज पिछले पाँच साल से चला रहा है मिलियनर कैसे बना ये बात कर लेते हैं नो डाउट एडसन से तो पैसा बनता ही है लेकिन दोस्तों ये बंदा मिलियनर बना अपनी यहाँ पे एक हिसाब से तो कह लीजिए अपिलियट प्रोडक्ट के साथ और अपना यहाँ पे एक स्पॉन्सर जो उन्हें बहुत पैसा पे करता था ये दोस्तों कोडिको मिलियनर बना है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके प्रोडक्ट का नाम है एक्सप्रेस वीपीएन प्रोडक्ट का नाम क्या है प्रोडक्ट का नाम है एक्सप्रेस वीपीएन मैंने दोस्तों अपने पिछले एपिसोड में बात की थी जो मेरा एपिसोड था यहाँ पे बाय बिजनेस इज विथ जीरो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मैंने बात की थी कि जो वीपीएन के बिजनेसिस है बोस् 99 परसेंट प्रॉफिट मार्जिन वाली बिजनेसिस है बिलियन डॉलर के बिजनेसिस है या मनी मेकिंग मशीन वाले है और तगड़ा स्पॉन्सर का अमाउंट भी पे करते हैं क्योंकि इस बिज़नेस में कुछ इतना होता नहीं है सिर्फ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है तो ये जो क्रिएटर को पैसा भी मिलता है वीपीएन प्रमोट करने का वह तगड़ा मिलता है वीपीएन पी एन अफिलियट साइड भी मिलियंस ऑफ डॉलर में सोल्ड होती है तो ये बंदा दोस्तों यही करता है वीपीएन एक्सप्रेस को प्रमोट करता है क्योंकि यहाँ पे बंदे का कंटेंट कुछ ऐसा है कि डेटिंग वाला कंटेंट है थोड़ा बहुत एडल्ट साइड कंटेंट है थोड़ा बहुत कॉमेडी क्रिंज कंटेंट है तो अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ गया तो वीपीएन एक्सप्रेस के साथ उनकी एक्सक्लूसिव डील थी तो वीपीएन एक्सप्रेस को हर एक वीडियो में प्रमोट करता रहता है

पहली बार देखा है तो आप पूरे यूट्यूब के बिजनेस को नहीं समझ सकते टाइम लगता है और यही दोस्तों नेचर है आज मेरा जो यूट्यूब को लेकर नॉलेज है आज मेरा जो यूट्यूब को लेकर नॉलेज है चार साल पहले मेरा नहीं था चार साल पहले मुझे यही लग रहा था कि कैसे मैं ज्यादा से ज़्यादा लाखों में व्यूज लेके आऊँ फिर एक टाइम के बाद पता चलता है कि यार यूट्यूब इज नॉट अबाउट हाउ मेनी व्यूज इट्स इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ व्यूज नॉट अबाउट हाउ मेनी व्यूज यार किसी वीडियो पे कोई लड़की ना रही है टेन मिलियन व्यूज है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यदि क्वालिटी ऑफ़ व्यूअर्स है चाहे टेन थाउजेंड है ट्वेंटी थाउजेंड है पैसा दोस्तों आप टेन मिलियन वाले से भी ज़्यादा कमा लोगे ईजीली कमा लोगे ईजीली चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो स्टोरी अभी बताई कोडी को की कोडिको का एक अपीरियल ब्रांड भी है क्योंकि बॉस जब व्यूज मिलियंस में टेन मिलियन ट्वेंटी मिलियन ये का यहाँ पे यूआरएल बता रहा हो डब्ल्यू डब्ल्यू करके अपीरियल ब्रांड है ये बंदा दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ करता है अपनी अपीरियल ब्रांड में कोई ज़्यादा फैशन वाली चीज़ नहीं डेली बेसिस पे यूज़ की जाने वाली चीज़ कोई क्या करता है अपना स्टोर बनाता है जैसे कि सॉक्स है जैसे कि सिंपल टी शर्ट है सिंपल सिंपल दोस्तों अपीरियल प्रोडक्ट को लिस्ट करता है और ये दोस्तों उनका एक और मोनिटाइजेशन का सोर्स है यहाँ पे तो तगड़ा बंदा है यहाँ पे धेड स्क्रीनज उनकी सीरीज भी तगड़ी है देखिए दोस्तों आप कॉमेडी पर्सन हो और आप कॉमेडी ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट रखते हो और योर नेचर इज़ ऑल अबाउट कॉमेडी आपका नेचर ही यदि कॉमेडी वाला है फिर इसको ज़रूर कॉपी कर सकते हो यदि आप करना चाहते तो धेड स्क्रीन करके दोस्तों ये सीरीज है यूएस में तगड़ी चली है इंडिया में भी दोस्तों इसकी कॉपी बना सकते हो देड स्क्रीन करके आ जाओ इंडिया में लॉन्च कर दो हो सकता है कि कैरी मीनाटी के बाद आप भी फेमस हो जाओ तो इस पर काम किया जा सकता है ये दोस्तों हर एक बंदे के लिए नहीं होता है देखिए मैं कभी भी यदि कोई आइडिया कुछ भी प्रेजेंट करता हूँ ना यार मेरे वीडियो पे थाउजेंड यूज़ कभी कभी टू थाउजेंड यूज होता है यानी कि एक हजार दो हज़ार लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एक से दो हज़ार लोग यहाँ पे किसी ना किसी आइडिया पे काम करना चाहता है हर एक आइडिया हर एक के साथ मैच नहीं होता है हजार लोग देख रहे हैं हजार लोग में से हो सकता है कि पाँच लोगों का नेचर बहुत ही ज्यादा कॉमेडी हो और उन्हें कुछ शुरू करना हो और ये आइडिया उनको क्लिक कर जाए कि जेड स्क्रीन करके जो सीरीज है ऐसी कॉपी कर लूँ इंडिया में ऐसा कुछ यहाँ पे आइडिया उठा लूँ देखिए मैं दोस्तों जब कभी कॉपी की बात करता हूँ ना तो आप हंड्रेड परसेंट कॉपी चीजें नहीं कर सकते लेकिन आप आइडिया जब कॉपी करे जब आप आइडिया कॉपी करते हो तो आप इजीली चीजें क्या कर लेते हो यहाँ पे क्रैक कर लेते हो चाह कर भी दोस्तों आप हंड्रेड परसेंट कभी भी किसी की कॉपी कर ही नहीं सकते लेकिन जब आप उनके फंडामेंटल आइडिया कंसेप्ट को कॉपी करते हो तब तो वे दोस्तों ईजिली क्रेक हो जाते हैं ऐसे ही दोस्तों इंडियन स्टार्टअप बने जितने इंडियन स्टार्टअप है दोस्तों जितने भी

मजेदार दोस्तों स्टोरी अब शुरू हो रही है दस साल पहले दोस्तों उन्होंने यूट्यूब जाने की शुरुआत की थी समीरन कोहली ने यहाँ पे दस साल पहले दस साल पहले से दोस्तों यूट्यूब क्रिक करने की कोशिश कर रहे थे यूट्यूब पे फेमस होने की कोशिश कर रहे थे दस साल पहले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दस साल पहले टू की बात कर रहा हूँ टू से लेकर टू तक दोस्तों दोनों ने जम के हार्ड वर्क किया जम के यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई फिर भी सफलता नहीं मिली पैसा नहीं बना पाए पैसा नहीं बना पाए दोस्तों इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि एज भी बढ़ रही थी तो जॉब करते रहे यूट्यूब को एक हिसाब से सा कह लीजिए पार्ट टाइम कर लिया बीच में तो एक टाइम पे यूट्यूब छोड़ भी दिया लेकिन वापस दोस्तों लगे रहे टिके रहे कंटिन्यूज यहाँ पे अपना एक हिसाब से कह लीजिए वापस से कंसिस्टेंसी बरकरार रखी दूसरी छोटे मोटे अर्निंग सोर्स के साथ टाइम के साथ दोस्तों कोलिन एंड समीर चैनल बहुत बड़ी हुई बड़ी हुई दोस्तों सब्सक्राइबर का नंबर कम है 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन दोस्तों ये इंटेंस ऑडियंस है ये जो सब्सक्राइबर है नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों ये जो सब्सक्राइबर है ये सब यहाँ पे यूट्यूबर है ये सब इन्फ्लुएंसर है ध्यान से सुनिए एक नॉर्मल बंदे के कंपैरिजन में एक यूट्यूबर का एक इन्फ्लुएंसर का परचेसिंग पावर तगड़ा होता है पाँच से दस गुना ज्यादा परचेसिंग पावर होता है इसलिए दोस्तों हाई इंटेंट ऑडियंस में आपको एक बता रहा हूँ कि कितना पैसा बनाता है यहाँ पे समीर एंड कोलिन का दोस्तों जो स्टूडियो है अभी रिसेंटली वो पॉडकास्ट कर रहे हैं दो तीन साल से यूट्यूबर के साथ लॉन्ग कन्वर्जेशन करते हैं पॉडकास्ट का दोस्तों वे पर मंथ का रेंट पे करते हैं सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर यानी कि सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर दोस्तों वे पे करते हैं पर मंथ सिर्फ यहाँ पे तीन से चार एपिसोड शूट करने के लिए और बता रहा हूँ दोस्तों उनका पर जो स्पॉन्सर होता है दोस्तों पर स्पॉन्सर का अमाउंट रहता है मोर देन वन लाख डॉलर यानी कि आपके उनके आइए आप उनके एक वीडियो में कोई स्पॉन्सर देखोगे तो यहाँ पे वे मिनिमम वन लैख डॉलर चार्ज करते हैं यार अपने एक एक्सपॉन्सर के लिए समीर एंड कोहलिन क्योंकि हाई इंटेंट ऑडियंस है यार ऐसी ऑडियंस ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका परचेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है स्पॉटीफाई जैसी कंपनी है दोस्तों जो क्या करती है यहाँ पे समीर एंड कोलिन के यूट्यूब चैनल को प्रमोट करती है क्यों प्रमोट करती है यार इसीलिए प्रमोट करती है क्योंकि पता है कि समी एन एंड कोलिन के यूट्यूब चैनल पे जो व्यूअर है वह यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, है। वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है।, है वो अपने सब्सक्राइबर को मॉनिटाइज करने के लिए क्या करेगा स्टोर ओपन करना चाहेगा तो स्पॉटीफाई ग्रेट रहेगा तो स्पॉटीफाई दोस्तों इसीलिए पे करने के लिए रेडी होता है लेक्स ऑफ डॉलर समीर एंड कोलिन दोस्तों बहुत बार तो मिलियन डॉलर की स्पॉन्सरशिप को भी ठुकरा चुके हैं मिलियन डॉलर की स्पॉन्सरशिप को भी ठुकरा चुके हैं यदि कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अपने एक हिसाब से कह लीजिए क्रिएटर के साथ ट्रस्ट वर्दी नहीं होती है अपना दोस्तों ट्रस्ट उनके लिए सबसे मेजर एक हिसाब से कह लीजिए प्रायोरिटी है पैसा अब उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए प्रायोरिटी है यहाँ पे ट्रस्ट आज भी दोस्तों यदि कोई यूट्यूब के बड़े बड़े इवेंट होते हैं चाहे न्यूयॉर्क में हो जाए दुनिया में कहीं पर भी यूट्यूब के बड़े बड़े इवेंट हो जाए समीर समीर एंड को बुलाया ही जाता है एक हिसाब से कह लीजिए ये दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी के लोग बन चुके हैं यहाँ पे यूट्यूब की नीस में और यूट्यूब एजुकेशन की नीस पे मोनिटाइज का दोस्तों उनके तरीके जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्पॉन्सर से इतना कमा लेते हैं एडिसन का दोस्तों उनका मैं एवरेज बताऊँ तो थाउजेंड व्यूज पे उनका एवरेज अमाउंट बनता है यहाँ पे नाइन टू टेन डॉलर क्योंकि यूएस के है लॉन्ग कन्वर्जेशन नाइन टू टेन डॉलर बनते हैं मेरे दोस्तों यदि मैं बताऊँ अभी ये जो आप एपिसोड देख रहे हो मेरा एवरेज दोस्तों बनता है पर थाउजेंड यूज़ की बात करो पर थाउजेंड यूज पे मेरा इंडिया में बन रहा है 1.5 डॉलर टू 2 डॉलर 1.5 डॉलर टू 2 डॉलर यानी यानी कि यदि इस वीडियो पर अभी थाउजेंड व्यूज आएंगे मेरा एडिसन से बनेगा 1.5 डॉलर टू 2 डॉलर इतना हमारा इंडिया का एडिसन का रेवेन्यू है और अमेरिका का यूके का हमसे नौ गुना दस गुना ग्यारह गुना ज़्यादा है तो मार्केट इकोनॉमी मेच्योर मार्केट कैपिटलिज्म के हिसाब से यहाँ पर प्राइस होता है समीरन कोहली नहीं ऐसा मोनिटाइज कर रहे हैं उनका दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ भी है न्यूज़ है पब्लिक प्रेस करके पब्लिक प्रेस करके न्यूज़ लेटर है एक लाख से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटर उनके न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करके रखे उनके दोस्तों पब्लिक प्रेस न्यूज लेटर पर भी स्पॉन्सर होता ही है वीक में एक दो बार न्यूज़ लेटर रिलीज करते हैं हर बार दोस्तों स्पॉसर होता है तो यहाँ से भी लेक ऑफ डॉलर बना लेते हैं यानी कि अपने न्यूज़ लेटर से भी लेक सोफ डॉलर पर मंथ की अर्निंग बनाते हैं समीरन गोली इनकी दोस्तों एक प्रोडक्शन कंपनी भी है क्योंकि बड़े यूट्यूबर बन गए प्रोडक्शन कंपनी का मतलब है दोस्तों यदि किसी ब्रांड को कोई शूट करना है कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है कुछ भी कंटेंट रिगार्डिंग शूट करना है तो समीर एंड कोलिन की प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ से भी काम यहाँ पे वे कर सकते हैं दस साल से ज्यादा का टाइम लग गया यार अपनी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए लेकिन टिके रहे तो एट देन उनकी जर्नी भी कम्प्लीट यहाँ पे हुई दोस्तों परचेसिंग पावर में समीर एंड कोलिन से भी तगड़ी यहाँ पे हिसाब से कह लीजिए ऑडियंस है एक बंदे के पास एक्चुअली में दो बंदे के पास बंदे का बंदों का नाम है यहाँ पे डेविड एंड बेन डेविड एंड बेन दोस्तों एक पॉडकास्ट चलाते हैं पॉडकास्ट का नाम है एक्वाइर्ड एक्वाइड क्या है यहाँ पे एक्वाइड पॉडकास्ट पे दोस्तों यहाँ पे जो मैंने दो फाउंडर बताए पॉडकास्ट के फाउंडर डेविड एंड बेन डेविड एंड बेन दोस्तों बात करते हैं एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कंपनीज़ के बारे में पब्लिक uh, कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं कंपनी एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं और बी एस पॉडकास्ट दोस्तों कौन कंज्यूम करता है कंपनीज पब्लिक कंपनीज़ के एक्विजिशन पब्लिक कंपनीज के एग्जिट स्टॉक प्राइस एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एक्विजिशन कंपनीज बिजनेस इज एक्वेजिशन के अराउंड दोस्तों पूरे दुनिया का अच्छा अच्छा रिसर्च करते हैं और अपने पॉडकास्ट के थ्रू क्या करते हैं पब्लिश करते हैं डेविड एंड बैंक को सुनने वाली दोस्तों जनता कोई आम जनता नहीं है वो जनता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाउंडर्स एंजल इन्वेस्टर्स वीसी ये दोस्तों ऑलरेडी मिलियनर मल्टी मिलियनर या फिर एक सबसे कह लीजिए कभी कभी सेमी बिलियनर या फिर बिलियनर टाइप की ऑडियंस है जो यहाँ पे एकवाइड पॉडकास्ट को सुनती है यानी कि दोस्तों एक्वाइड पॉडकास्ट के लिसनर कौन है लेकिन पॉडकास्ट के मेजोरिटी लिसनर यहाँ पे आधर मिलियनर है आधर यहाँ पे मल्टी मिलियनर है कैसे दोस्तों मोनिटाइज कर रहे हैं यहाँ पे को को मोनिटाइज कर रहे पहला उनका दोस्तों मर्च है टेन थाउजेंड यदि उनके फॉलोइंग है मिलियनर है ऑलरेडी दोस्तों अपने पॉडकास्ट के साथ कनेक्टेड है तो जो मर्च है जैसे ही मर्च लॉन्च होती है फिफ्टी डॉलर हंड्रेड डॉलर की तब मर्ज क्या कर देते हैं तुरंत ही यहाँ पे सारी मर्च होल्ड कर देते हैं ये दोस्तों उनका बेसिक सा बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे पैसा बना रहे रहेड पॉडकास्ट करते तो पहला मर्ज लॉन्च करते हैं दूसरा दोस्तों बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्वाइड पॉडकास्ट पे जो स्पॉन्सरशिप आती है यार वह स्पॉन्सरशिप तगड़ी होती है क्योंकि वह स्पॉन्सरशिप यहाँ पे टारगेट की जाती है वीसी के लिए इन्वेस्टर के लिए एंजल इन्वेस्टर के लिए देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेसिस होते हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके लिए टारगेट कस्टमर यहाँ पे आम जनता नहीं होती है जिनके लिए टारगेट कस्टमर होते हैं वी सी एंजल इन्वेस्टर्स सी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रेडी होते हैं जो बनाए जाते हैं एंजल इन्वेस्टर के लिए वी के लिए सी के लिए फाउंडर के लिए अब ऐसी कंपनीज़ को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने के लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म मिलते हैं क्योंकि जो वी होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं एंजल इन्वेस्टर होते हैं सी होते हैं वे दोस्तों ऐसे कोई रील्स पे तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते वैसे पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं इसलिए बहुत कम व्यूअरशिप लेकिन स्पॉन्सर का अमाउंट तगड़ा क्योंकि यहाँ पे सबसे एक सामने कह लीजिए हाईएस्ट परचेसिंग पावर वाली ऑडियंस को क्या कर रहा है यहाँ पे पॉडकास्ट एक कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्वाइड पॉडकास्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिलियनर का डिस्ट्रीब्यूशन है और यही डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बोल उनको स्पॉन्सर का तगड़ा पैसा मिलता है कॉन्फ्रेंस की टिकट दोस्तों सबसे महंगी सेल करता है यह कभी कभी कॉन्फ्रेंस भी करता है यानी कि ऑफलाइन इवेंट भी करते हैं और अपनी सारी टिकट सोल्ड कर देते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू ही पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी है थोड़ा बहुत उनके एपिसोड लिंक डाल देते हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू मोनिटाइज कर लेते हैं अभी दोस्तों वे अपने पॉडकास्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले पाँच से छः साल से उनका दोस्तों प्लान है कि टेन मिलियन डॉलर में एक्वायर्ड पॉडकास्ट को क्या करना है एग्जिट करना है यानी कि टेन मिलियन डॉलर की उनका डील लेने का प्लान है मिनिमम टेन मिलियन डॉलर की उन्हें डील मिल सके यानी कि एट्टी करोड़ से हंड्रेड करोड़ की डील एक्वायर्ड पॉडकास्ट के साथ क्योंकि ये अपना एक विजन के साथ चल रहा है कि दुनिया के जितने भी वी है जितने भी एंजल इन्वेस्टर है सी ओज है एक से बताओ इंडायरेक्टली जितने भी मिलियनर है कंपनी रिगार्डिंग एक्टिवइजेशन रिगार्डिंग यदि हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं फ्यूचर में यदि हमारा पॉडकास्ट बड़ा बनता है यदि आज की जो साइज है उनसे फाइव एक्स टेन एक्स बढ़ गई विद इन फाइव टू टेन ईयर इजीली दोस्तों वे अपने पॉडकास्ट की एक्सक्लूसिव डील भी कर सकते हैं और अपने पॉडकास्ट रिगार्डिंग एक साथ लीजिए एग्जिट भी ले सकते हैं फाइव मिनिमम टू मिनिमम टेन मिलियन डॉलर में तो ये ऐसे दोस्तों ऑडियंस की गेम है गाँव की ऑडियंस है आपकी जिसके पास खुद जेब में दस रुपया भी नहीं है फिर वो आपको कुछ नहीं दे सकती और ऐसी ऑडियंस को मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई टारगेट नहीं करता ऐसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए गांव की ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपको करोड़ों में व्यूज चाहिए पैसा कमाना है तो ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो इंटेंस बेस्ड है फिर आपको लाखों में ऑडियंस चाहिए ऐसी ऑडियंस है जो कि बहुत नीच है लेकिन रियली इजी टू परचेस है तो थाउजेंड्स में यहाँ पे आपको चाहिए व्यूज तो गेम इज ऑल अबाउट मोनिटाइज कि कैसे आप आपके व्यूज को कन्वर्ट करते हो कस्टमर में और बाद में ये मोनिटाइज का ये आप कैसे पूरा एक इकोसिस्टम सिस्टम बना तो मोनिटाइज का इकोसिस्टम बनाना पड़ता है बोस क्रिएटर बिजनेस में क्रिएटर इकोनॉमी में अब दोस्तों मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ मैं बात करूंगा यहाँ पे एलेक्स कूपर के बारे में एलेक्स कूपर दोस्तों एक पॉडकास्ट चलाती है पॉडकास्ट का यहाँ पे नाम है कॉल हर डेडी जैसा दोस्तों नाम आपको लग रहा है वैसे ही टॉपिक है कॉल हर डेडी पे दोस्तों एलेक्स बात करती है रिलेशन रिलेशनशिप रिगार्डिंग एडल्ट कंटेंट रिगार्डिंग सेक्स रिगार्डिंग और डेटिंग रिगार्डिंग पॉप कल्चर रिगार्डिंग सारी दोस्तों ऐसी टापू टॉपिक पे बात करती है एलेक्स कुपर कॉलर डेडी पॉडकास्ट पे जिसके बारे में कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं करता अब ऐसी बात करके कोई क्या ही कमा लेगा यार हमें लगता है ना ऐसी बात करके कोई क्या ही कमा लेगा एलेक्स कुपर ने कमा लिया यार एलेक्स कुपर ने स्पोर्टीज फाइव के साथ एक्सक्लूसिव डील की कॉलर डैडी की सिक्सटी मिलियन डॉलर में 300 करोड़ की डील यार 300 करोड़ की डील कॉल हर डेडी को मिल गई यहाँ पे स्पॉटीफाई के साथ क्या होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव डील क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ देखिए जब कभी भी एक्सक्लूसिव डील होती है जैसे कि स्पॉटीफाई एक्सक्लूसिव डील करता ही रहता है जैसे कि स्पॉटीफाई ने एक्सक्लूसिव डील की कॉल हर डेडी के साथ अब हर डेडी के हर एक एपिसोड सिर्फ एक ही जगह पर पब्लिश हो गए स्पॉटीफाई के प्लेटफॉर्म पर और कहीं पर यूट्यूब पे कहीं पर भी पब्लिश पब्लिस नहीं होगी तो अब लोगों को कहाँ पे आना पड़ेगा स्पॉटीफाई पे आना पड़ेगा कॉलर डे सुनने के लिए कॉलर डे डाउनलोड करने के लिए तो यदि कॉलर डेडी के वन मिलियन फैन फॉलोइंग है तगड़ी कल्ट फॉलोइंग है तो वन मिलियन लोग क्या करेंगे स्पॉटीफाई के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस हिसाब से दोस्तों सारा बैकैंड में कैलकुलेशन बेस्ड बिजनेस बनता है तब जाके इतना अमाउंट मिलता है किसी भी बंदे को दोस्तों यदि कोई अमाउंट मिल रहा है खास करके क्रिएटर इकोनॉमी है जैसे कि जोरोगन है झोरोोगन के यहाँ पे स्पॉटीफाई के साथ एक्सक्लूसिव डील है हंड्रेड मिलियन डॉलर की तीन साल के हंड्रेड मिलियन डॉलर यानी कि कितने हो गई आठ सौ करोड़ की डील है यहाँ पे भाई के साथ जोरोगन की तो दोस्तों वो डील इसीलिए क्योंकि जोरोन की यदि तीन मिलियन के भी कल्ट फॉलो गए तो तीन मिलियन लोग स्पॉटीफाई डाउनलोड कर बिकॉज ऑफ जोरोन और तीन मिलियन के डाउनलोड यहाँ पे स्पॉटीफाई को मिल गए तो बैकेंड में यदि किसी को कोई स्पॉन्सर मिल रहा है क्रिएटर इकॉमी कोई को पैसा मिल रहा है तो बैक में यहाँ पे बॉस ए टू जेड कैलकुलेटेड मैथ होता है कि हम यदि इस बंदे को इतना पैसा पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बेकेंड से इतना पैसा कमा लगे यानी कि कॉलर डेडी को यदि फोर्टी मिलियन डॉलर मिले है ना यार मिलियन डॉलर मिले स्पोटिफाई से स्पोटिफाई यहाँ डॉलर से ज्यादा की वैल्यू निकालेगा कॉलर डेडी पॉडकास्ट के थ्रू तो ये से दोस्तों पूरे बिजनेस इकोनॉमिक्स काम करते हैं इसे ये सब इनसाइड आउट समझने की बात है क्रिएटर बिजनेस को दोस्तों आप इनसाइड आउट समझ जाओगे ना हर एक चीज कनेक्टेड होती है यार हर एक चीज कनेक्टेड होती है क्या मतलब है हर एक चीज कनेक्टेड होती है यानी कि क्रिएटर है व्यूअर है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है एट द एंड देखोगे ना दोस्तों तो एट द एंड ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होके एक ही चीज़ होती है लोगों की जेब से पैसा निकालना सारी चीज़ें कनेक्टेड होके एक ही जगह पे आ जाएगी लोगों की जेब से पैसा निकालना लेकिन एक बंदा नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे चीज़ें होती है थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जेब से पैसा निकालना लाखों लोगों की जेब से पैसा निकालना करोड़ों लोगों की जेब से पैसा निकालना तो एट द एंड सारी चीज़ ऐसे ही चलती है देता जैसे कि दोस्तों स्पॉटीफाई का पर मंथ का कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है तो यदि लाखों लोग पर मंथ का सब्सक्रिप्शन का प्लान पे करेंगे स्पॉटीफाई को यहां पे 60 मिलियन डॉलर से ज्यादा बना लेगा सिर्फ कोल और डेडी को 60 मिलियन डॉलर दे के ऐसे तो दोस्तों क्रिएटर इकोनॉमी के बिजनेस चलते हैं यहाँ पे आपको समझने पड़ते हैं रिसेंट दोस्तों यदि मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट में रिसेंट एक लड़की बहुत ही ज्यादा फेमस है इतनी फेमस है यूएस में आज ट्रेंड पे चल रही है पॉडकास्ट बोल के लड़की का नाम है यहाँ पे बोबी अलतफ़ तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ईयर की है बोबी अलतफ़ब तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वैसे ही जो ब्यूटीफुल होते हैं व्यूअर्सिप उनको तगड़ी मिलती है बोबी अल तोफ़ दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि ये ना इनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है और ये एब्सोल्यूट बात है तब जाके इनको ये नेक्स्ट लेवल के गेस्ट मिल पा रहे मार्क क्यूबन जो कि एक बिलियनर एंथ्रोपिन है बोबी अलतोफ का इनके साथ इंटरव्यू था पॉडकास्ट था बोबी अलतोफ ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि पॉडकास्ट पूरा ऐसे स्टेयर पर बैठ के या फिर कह सकते हैं पूरा ऐसे जमीन पर बैठ के शूट किया क्योंकि कुछ हटके दिखे अलग गेम इज ऑल अबाउट स्टैंड आउट तो बेबी एलटोप तो अपने पूरे पॉडकास्ट को स्टैंड आउट कराना चाहती है ड्रेक के साथ दोस्तों ये बोबी एलटोप का पॉडकास्ट था ड्रेक के साथ जो कि एक सिंगर है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट तो फेमस सक्सेसफुल सिंगर है ड्रेक के साथ दोस्तों बेड में पॉडकास्ट किया आप इमेजिन कर सकते हो ये किसी ने अभी तक नहीं किया जो कोई नहीं करता ऐसा ही है दोस्तों बोबी एलटोप करती है पॉपुलरिटी के लिए बेड में दोस्तों हाँ जी दोस्तों बेड में आप देख लेना यहाँ पे अब तो पॉडकास्ट डिलीट भी कर दिया है शायद अपनी मेन चैनल से लेकिन अभी भी बहुत सारी चैनल पे मिल जाएगा आपको हाल तो पॉडकास्ट बेड पे पॉडकास्ट बेड पे तो ऐसा ही करती रहती है तो इसके कारण बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलती है क्योंकि एट द एंड वो भी आलतोफ को भी क्या करना है एट के सब्सक्राइबर है एट द एंड को भी दोस्तों ऐसा ही कॉलर डेडी की तरह अपने पॉडकास्ट को सोल्ड करके मल्टी मिलियनर बनने का ही प्लान है तो ये गेम इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म में तो यही चलता है कि कुछ भी करो पैसा कमाओ विन करके दोस्तों टूट्यूब इंडिया की चैनल है विन टूवेल्थ करके एक कंपनी है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाली एक फिनटेक कंपनी कंपनी है एक दोस्तों यहां पे एडवर्टाइजमेंट पे कहीं पे पैसा ही नहीं लगा रही कंपनी अपनी अपना पूरा धंधा चलाएगा तो विन टूल्थ यार बहुत ज्यादा पॉपअप हो रहे उनके वीडियो और बेकेंड में देखोगे तो उनका एक पूरा बिजनेस स्टार्टअप है अपने पूरे स्टार्टअप का दोस्तों मार्केटिंग एक चीज पे कर रहे हैं कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू फ्यूचर में दोस्तों यूट्यूबर को तगड़े कंपटीटर मिलने वाले हैं फ्यूचर में जितने भी स्टार्टअप आएंगे सब दोस्तों यूट्यूबर के कंपटीटर बनेंगे सब यूट्यूबर के कंपटीटर बनने के लिए आ रहे हैं फ्यूचर के जितने भी स्टार्टअप है अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करेगा यहाँ पे यूट्यूब को एज अ मेन प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा और जब स्टार्टअप आते हैं फंडिंग के साथ आते हैं यूट्यूबर को तगड़ी कंपटीशन मिलने वाली है जितने भी स्टार्टअप है सब उनके कंपटीटर फ्यूचर में बनेंगे मैं दोस्तों अब एक यूट्यूबर के बारे में बात कर देता हूँ यूट्यूब कस्टमर और कभी कभी दोस्तों लोग यूट्यूब इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत पैसा कमा लिया अब कुछ करना है तो क्रेजी चीज को लेकर दोस्तों एट एड यूट्यूब भी आता है मार्क मेंसन की मैं बात कर देता हूँ दोस्तों मार्क मेंसन दस साल तक ब्लॉगिंग की मार्क मेंसन ने कोई सफलता नहीं मिली लेकिन दस साल के ब्लॉगिंग से दोस्तों इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस मिल गया सफलता नहीं मिली का मतलब ये नहीं है दोस्तों की ब्लॉग पे रीडर नहीं आए सफलता मिल, ना मिलेगा मतलब है बंदा मल्टी मिलियनर नहीं बना लेकिन दस साल तक ब्लॉगिंग की वहाँ से एक बुक लिख दी द सप्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ द दब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ तो ये बुक लिखी बिग बुक इतनी सोल्ड हुई बॉस ट्वेंटी मिलियन का राउंड कॉपी सोल्ड हुई और ये बंदा मल्टी मिलियनर बन गया सिर्फ अपनी एक बुक के कारण अभी दोस्तों मार्क करेंटली यूट्यूब पर फोकस कर रहा है अपनी एक यूट्यूब चैनल है पूरा बुक ब्लॉग करने के बाद अभी ये बंदा यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नहीं मार्क मेंशन का मैं एक एपिसोड सुन रहा था मार्क मेंशन ने कहा कि मैं यूट्यूब मजे के लिए कर रहा हूँ मैं भी यूट्यूब पे मजे के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ मैं तो कभी कभी अपने घर के पैसे लगाता हूँ मैं यूट्यूब से कुछ इतना नहीं कमा रहा जितना मैं हर एक वीडियो बनाने में पैसा डाल देता हूँ क्योंकि अब मेरे लिए मजे की काम है कोई मजे के लिए भी यूट्यूब करता है यहाँ पे लास्ट दोस्तों बता रहा हूँ मीडिया बिजनेस के बारे में कर्ली टेल्स मिडल ईस्ट के बारे में देखिए कर्ली टेल्स दोस्तों यहाँ पे मिडल ईस्ट पे अभी उनकी एक चैनल बनी है कर्ली टेल्स यूट्यूब में है बॉम्बे को फोकस करती थी कल्चर पे ट्रैवल पे कर्ली टेल्स मिडल ईस्ट में क्यों आई दोस्तों कर्ली टेल्स मडल ईस्ट करके चैनल ही आ गई और मिडल ईस्ट के वीडियोज डालते हैं मिडल ईस्ट की सीरीज बनाते हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि मिडल ईस्ट यहाँ पे क्या है ग्रोइंग मार्केट है अब ग्रोइंग मार्केट है मीनस वहाँ पर ग्रोइंग बिजनेसिस है हर एक बिजनेस को चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन और हर एक बिजनेस को अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मीडिया के पास जाना ही पड़ता है तो कल डिटेल्स जैसे फर्स्ट मूवर बन गए कि हम मिडिल लिस्ट में अपनी मीडिया कंपनी शुरू कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे दोस्तों क्या होगा यूजर में जैसे जैसे यहाँ पे मीडिया लिस्ट में बिजनेसिस बड़े हो गए हर एक बिजनेस से दोस्तों स्पॉन्सर का अमाउंट ये कल डिटेल्स जैसी मीडिया कंपनी तगड़ा निकालेगी देखिए दोस्तों जो मीडिया कंपनीज़ होती है ना बड़ी मीडिया कंपनीज़ बनती है फंडिंग लेके बनती है या फिर कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में हम बूथ स्ट्रेप भी करते हैं मेरा जो मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम इस पर ही फोकस है बूथ स्ट्रेप के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पर अपने मीडिया बिजनेस को लेकर पहुंच जाते हो ना तब आप दोस्तों एडसेंस यूट्यूब एडसेंस से गूगल एडसेंस पे नहीं है आप अपना वो रखते हैं आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट सेल करते हो बड़ी कंपनी को जैसे कि मेसेबल इंडिया करके एक दोस्तों यूट्यूब चैनल चेक कर लेना अभी तो उनकी जो बॉम्बे जर्नी करके सीरीज़ है वहाँ पे वे दोस्तों कभी कभी केसट्रॉल की कभी कभी कार की डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं वे दोस्तों अपने सेल्स के लोग हायर करते हैं और डायरेक्ट कंपनी के मार्केटिंग हेड से ही स्पॉन्सरशि उठाते हैं यानी कि बीच में जो है यूट्यूब फोर्टी परसेंट कट करता है ना वो कट करना नहीं पड़ता डायरेक्ट ही सारा हंड्रेड परसेंट अमाउंट एज एडवर्टाइजमेंट उठा लेते हैं तो कल डिटेल्स दोस्तों मिडल ईस्ट चैनल इसीलिए बनी है क्योंकि पता है कि मिडल ईस्ट दुबई है यूएई है और भी बहुत सारे आसपास के एरियाज़ हैं अमीर रिच एरियाज है रिच बिजनेसिस हैं स्पॉन्सर का अमाउंट भी तगड़ा मिलेगा तो एडवर्टाइजमेंट भी तगड़ी सोल्व करे तो ऐसे दोस्तों ओपॉर्चुनिटी को देख के स्मार्ट एंट्रप्रनियर होते हैं वे अपना बिजनेस शुरू कर देते तो ऐसा ही दोस्तों कल डिटेल्स ने मिडल ईस्ट में अपना मीडिया बिजनेस शुरू कर दिया यार देखिए आपको ना आपका मीडिया बिजनेस शुरू करना है बूट स्ट्रेप वन परसेंट शुरू करना है मेरे मीडिया बिजनेस के सात दिन के प्रोग्राम को यार अटेंड करोगे ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपका बूट मीडिया बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हो जाएगी आप बूट बन गए प्रॉफिटेबल बन गए एक टाइम के बाद आप आप वही डेटा का यूज करके फंडिंग उठा के बाद में दोस्तों से ब्लॉक वर्क से मेसेबल इंडिया की तरह एक पूरी मीडिया कंपनी भी फ्यूचर में बना सकते हो तो चलिए आज के एपिसोड को यहाँ तक रखते हैं यदि एपिसोड से वैल्यू मिली है, एंड तक एपिसोड कंज्यूम कर रहे हो कौन वैल्यूट जरूर लिखना चलिए मिलते अगले एपिसोड में धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजिता